खेल खल्लास के इस अंक में हम चलेंगे सिहासायों के संसार में एक ऐसे साधु से मिलने के लिए जिसे पुलिस की गोलियों से मिला था निर्वाण या मोक्ष। और उस साधु का नाम है सदानंद नाथ शेट्टी उर्फ साधु शेट्टी। ये मई 2000 की बात है। मुंबई पुलिस एक बार फिर मुठभेड़ों के कारण विवादों में गिरी। राजन गिरोह के सिपहसालार साधु शेट्टी को अपराध शाखा के मुठभेड़ विशेषज्ञ इंस्पेक्टर विजय सालसकर ने गोलियों से भून दिया, जबकि वह 8 सालों से अंडरवर्ल्ड से तौबा कर गया था। मुंबई की अंधेरी दुनिया के अंगुली माल साधु शेट्टी को एक बुद्ध मिला जरूर था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उसे बुद्धू बनाकर एक दिन मौत के घाट उतार दिया। कर्नाटक के मंगलुरु शहर में राजनीतिक और सामाजिक कार्य करने वाले साधु शेट्टी ने काले संसार से अपराध शाखा के डीसीपी दीपक जोग से वादा करने के बाद में कत्ल वारदात की दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह दिया। इसके बावजूद पुलिस ने जब उसे मुठभेड़ में मारा तो इस पर काफी सारे सवाल उठे थे, बड़े बवाल हुए थे। साधु कहता था कि मुंबई निवासी दक्षिण भारतीय नागरिकों को मुंबई की एक राजनीतिक पार्टी बहुत परेशान करती है और उनके अत्याचारों का बदला लेने की नीयत से ही वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है। डी कंपनी के कुख्यात सुपारी हत्यारे माया डोलस से साधु की खासी दुश्मनी थी। घाटकोपर में त्रिमूर्ति होटल चलाने वाले साधु ने माया पर एक बार हमला भी किया था, लेकिन इसमें उसकी जान बच गई थी। फिर क्या हुआ था ये भी अपने आप में एक बड़ी अजलग और अचरज भरी कहानी। साधु को एक बार पुलिस ने गिरफ्तार करके कोलाबा थाने में बंद कर दिया था। उस वक्त उपायुक्त होते थे दीपक जोग, बड़े ही जहीन, बड़े ही अच्छे अधिकारी थे, और उन्होंने 2 घंटे तक साधु शेट्टी को पुलिस हवालात में बैठकर ये समझाया कि उसे क्यों अपराध छोड़ देना चाहिए। और जब साधु शेट्टी से दीपक जोग अलहदा हुए, वो घर गए, उसी रात दीपक जोग की दिल के दौरे से मौत हो गई बेचारे। इस मौत से उसी रात साधु की आत्मा भी पिघल गई। साधु ने उससे कहा, जोग साहब के रूप में मैंने भगवान देखा, उनके पैर छुए। उसके बाद उनकी याद में 3 साल तक दिवाली न मनाने का फैसला नाना कंपनी ने किया था, यानी कि छोटा राजन के गिरोह ने किया था, और ये बात किसी और ने नहीं साधु शेट्टी ने पत्रकारों को बताई थी। 1997 में उसने सायन ट्रॉम्बे मार्ग पर श्री दीपक जोग की याद में साई दीपक मंदिर बनवाया, और ये अपने आप में पूरी दुनिया में एक अजूबा किस्सा है कि किसी गिरोहबाज ने किसी पुलिस अधिकारी का मंदिर बनवाया हो। जब साधु ने अंडरवर्ल्ड छोड़ मंगलूर जाने की घोषणा की तो किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। इसे सबने आंखों में धूल झोंकने की कोशिश बताकर खारिज कर दिया। साधु लेकिन कभी साधु नहीं बन पाया, उसे गोलियों ने ही निर्वाण दिया। जब उसने मौत का सौदागर बन हत्या का कारोबार शुरू किया, तभी उसके भाग्य में ऐसी ही मौत लिखी जा चुकी थी, और एक दिन उसका भी हो गया खेल खल्लास। Thank you.